नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगी गुरुकुल परिवार में। मैं आपका दोस्त, आपका साथी राहुल। तो दोस्तों, आप लोगों का सीटेट का एग्जाम बीत चुका है। आप सभी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। हमारे बहुत सारे छात्र 120 125 तक पहुंचे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्त, चलिए अब सीटेट के बाद भी कुछ करना पड़ता है ना दोस्त। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी करनी है केंद्रीय विद्यालय की। क्या करनी है, केंद्रीय विद्यालय की आप लोग तैयारी कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय का जल्द ही फॉर्म आने वाला है। आप सभी केंद्रीय विद्यालय में क्वालिफाई होइए, केंद्रीय विद्यालय में जाइए, नौकरी कीजिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक शिक्षक के तरह सम्मान आपको केंद्रीय विद्यालय में ही मिल सकता है, स्टेट टीचर से ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो आइए देखते हैं केंद्रीय विद्यालय में पहले तैयारी करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, क्या किया जाए, क्या सिलेबस है। सबसे पहले जानना पड़ेगा ना क्या पैटर्न है, क्या पूछता है केंद्रीय विद्यालय आपसे, तो इसको जान लेना बेहद जरूरी है। तो इसलिए दोस्त, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में होता क्या है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जो सबसे पहले आप PRT का अगर परीक्षा दीजिएगा, तो इसके लिए आप BEd हो या DLed हो, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय का PRT का अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद हम TGT के बारे में डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियो में। तो दोस्त, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, 150 मार्क्स होता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चन, यानी कि प्रति क्वेश्चन मतलब एक मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, इसमें समय कितना रहता है, इसमें समय रहता है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट। और क्या होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो प्रति क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी कि प्रति क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। अब सबसे मजे की बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आप 150 में 150 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए, तो यानी कि आपको ज़्यादा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमने सही बनाया था, गलती में हमारा नंबर कट गया, तो इस तरह की इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए, कट ऑफ की अगर बात करें हम, तो पिछली बार जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें 150 नंबर के हुआ, आप तो जान ही गए 150 मार्क्स का होता है, तो जिसमें कट ऑफ था 95, ठीक है, 95 नंबर, और इसमें 3000 सीट था इसलिए 95 नंबर कट ऑफ था। ये कट ऑफ घट बढ़ भी सकता है, ठीक है, अगर वैकेंसी बढ़ जाए 3000 से अधिक आए तो कट ऑफ घट सकता है, 95 से कम भी हो सकता है। अगर कट ऑफ क्या बोलते हैं, अगर वैकेंसी घट जाएगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, 100+ भी जा सकता है। इसलिए आपको तैयारी करनी है 100 की नहीं, 130 नंबर की हम लोग तैयारी करेंगे, 130 of 150, ठीक है, 130 नंबर हमें चाहिए ही चाहिए। हम देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप कम मेहनत करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, हम आपको एक बैलेंस, एक संतुलित मेहनत कीजिए जितना में आपका काम चल जाए, ठीक है। 150 में आपका 130-135 आ जाए, अगर 120 भी आ जाता है ना, तो कोई आपको नहीं रोकने वाला है, ठीक है। कितना हो कम सीट आए, कुछ भी आए, आपका सिलेक्शन पक्का है, हम आपका सिलेक्शन पक्का कराने के लिए यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, और आपका सिलेक्शन करा के ही दम लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। आगे देखिए दोस्त, अब रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम, इसमें आपको सबसे पहले होगा रिटेन, ठीक है। आप तो जान ही चुके हैं कि 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद में रिटेन का, इसमें देखिए जो 85% इसका क्या रहता है, देखा जाता है रिटेन का, और 15% आपके मेरिट में, आपका जो मेरिट बनेगा ना, आपका मेरिट, तो इसमें रिटेन का 85% और इंटरव्यू का 15%, ठीक है। रिटेन का 85% जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का 15%, इसलिए रिटेन आपका बहुत ही मस्ट है। रिटेन अगर बेहतर हो जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का होना ही है, ये तय है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप को पॉजिटिव माइंड में लेके चलिए,
सिलेबस देखा जाए तो बहुत वास्ट है, और सिलेबस देखा जाए तो बहुत हल्का है। अगर धीरे धीरे किसी चीज़ को आप कीजिएगा, हमारे साथ हमें फॉलो कीजिए, हम आपको के भी क्वालिफाई करा के ही मानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्त रिटर्न बहुत मस्ट है, इसके बाद में इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए भी हम आपको बताएंगे, पहले रिटर्न का तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो आइए रिटर्न में बातें हैं, इसका पैटर्न क्या है भाई, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए पैटर्न में देखिए, इसका जनरल पार्ट जो है 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें हर चीज रहेगा, यानी कि देखिए इसमें इंग्लिश रहेगा आपका कितना, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में क्या रहेगा भाई, वही जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वही इंग्लिश आपका रहेगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी इसमें ग्रामर पार्ट रहेगा, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, और आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए 100 गोल्डन रूल लेके आएंगे। उस 100 रूल को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 10 में 10 ही मिलेगा आपको, कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए लेके आएंगे हिंदी। मजा आ गया ना हिंदी सुन के, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, यानी कि 10 में 10 आप ला सकते हैं, और हम बताएंगे कैसे आएगा 10 में 10, बस आप हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आइए हिंदी, हिंदी में भी वही रहेगा, ग्रामर रहेगा, ठीक है। आइए उसके बाद में क्या रहेगा, रीजनिंग। रीजनिंग ये तो और भी मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है रीजनिंग में, रीजनिंग भी हम आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी बहुत जो चीज आपसे पूछा जाता है उतना ही पढ़ेंगे। रीजनिंग का देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उतना ज्यादा पूछता नहीं है, पूछेगा आपसे 10 नंबर का ही, क्या पूछेगा वो हमें पता है, ठीक है। हम ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, इसलिए हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बस आप हमें फॉलो करते रहिए। आइए देखते हैं रीजनिंग, रीजनिंग पढ़ लेना है, उसके बाद में है जीके और करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स इससे आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। और जीके जो है बहुत अथाह, लेकिन अथाह में से भी हमें जो चाहिए अगर उतना पढ़ लेते हैं तो 10 में 6 नंबर के आसपास में आपसे पूछा जाएगा जीके का क्वेश्चन। उसके बाद में करंट अफेयर्स रहेगा 4-5, ठीक है। तो देखिए जीके को भी हम आसानी से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और उसी से आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, 4-5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए करंट अफेयर्स आप डेली पढ़िए, थोड़ा बहुत पेपर वगैरह पढ़ने का आदत डालिए, और हम भी करंट अफेयर्स का भी सेशन आप लोगों के लिए ला रहे हैं जल्द ही, तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद रहेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर एकदम बेसिक से रहता है, ठीक है। कंप्यूटर भी रहेगा 10 मार्क्स का ही, एकदम बेसिक कंप्यूटर रहता है, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही BCA MCA वाला नहीं रहता है, ठीक है, बहुत सिंपल रहता है, वही रहता है जो बैंक क्लर्क में पूछा जाता है, उससे भी हल्का, बहुत हल्का रहता है। हम कंप्यूटर भी आप लोगों को हम स्वयं पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो हम डालेंगे, ठीक है, आप 2 घंटे आप मुझे कंप्यूटर में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। 10 में 10 मार्क्स आपका कंप्यूटर में फिक्स हो जाएगा। आइए तो दोस्त उसके बाद में है आपका सबसे मजेदार और सबसे बेहतर टॉपिक, यानी कि पेडागोगी। पेडागोगी के बारे में आप तो समझ ही सकते हैं, हमसे पढ़ने के बाद तो कोई गलती करता ही नहीं है। सीटेट में लोग 30 में 30 लेके आए हैं, CDP में, और जितने भी सब्जेक्ट पेडागोगी हैं कोई में भी किसी का गलती ही नहीं हुआ है, 15 में 14 नहीं हुआ है, सबका 15 में 15 है, तभी तो 125-120 लेके आए हैं हमारे छात्र। तो आइए देखते हैं पेडागोगी जो है 20 मार्क्स का है, इसमें भी आपको कोई गलती नहीं होने वाला है, 19 से 20 नंबर आप अर्जित कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो आप अगर हमसे पढ़ लिए हैं तो मतलब 140 नंबर तो पक्का है, ठीक है। तो आइए उसके बाद में आते हैं सब्जेक्ट पार्ट में, सब्जेक्ट पार्ट ये देखिए 70 नंबर इधर हो गया आपका, 10, 20, 30, 40, 50, 20, 70 नंबर आपका मेन पार्ट हो गया, ठीक है, जनरल पार्ट। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट में क्या पूछता है भाई, सब्जेक्ट पार्ट में देखिए इंग्लिश रहेगा, फिर से इधर भी इंग्लिश था, इधर भी इंग्लिश आ गया, यानी कि इधर भी 10 नंबर से आपका इंग्लिश रहेगा, तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, जैसा ये है वैसे ही ये भी है, ठीक है। बस हमारा 100 गोल्डन रूल पढ़िएगा, उसके बाद में कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हिंदी, हिंदी में भी जो इधर पढ़ना था आपको हिंदी, वही हिंदी इधर भी है, इधर भी हिंदी व्याकरण रहेगा, संधि समास विशेषण, ठीक है। तो दोस्त हिंदी हो गया, हिंदी के बाद में मैथ्स, मैथ्स
नाम सुन के मजा आ गया ना, जिन्हें आता है उन्हें तो मजा आ गया, और जो सोच सोच के कुछ लोग डर गए कि सर मैथ तो पूछेगा जी, आपको बता देते हैं मैथ्स भी पूछेगा, मैथ्स भी बहुत हाई फाई नहीं रहता है, आपको 9-10 लेवल का पढ़ लेना है बस कंप्लीट, नहीं तो आप हमें फॉलो कीजिए, हम मैथ्स का भी सीरीज लेके आएंगे, उतना ही पढ़ लीजिएगा, मैथ्स में भी 20 में 20 आएगा, ठीक है गारंटी है। तो आइए देखते हैं मैथ्स के बाद में क्या आता है, साइंस विज्ञान, तो देखिए ये भी आता है 20 मार्क्स का, इसमें आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स मैक्सिमम रहेगा, केमिस्ट्री थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद बायो और भी कम रहेगा, फिजिक्स का इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है इसलिए फिजिक्स को ज़्यादा हल्का में नहीं लेने का और बहुत भारी भी नहीं लेने का, बहुत हल्का है, हम इसे हम स्वयं हम सब मिलके हम और आप मिलके इसको बहुत आसान बनाने वाले हैं, पूरा पूरा केवीएस के सिलेबस को जिस प्रकार से हमने सीटेट को बनाया था आसान, जो हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उन्हें पता है कितना आसान बना दिए थे सीटेट, बहुत आसानी से इसी ऐसे ही थोड़े नंबर आ गया उनका 120 मार्क्स 125 मार्क्स उन्होंने अनऑफिशियल आंसर की जो हमारे द्वारा दिया गया है उनसे मिला कर देख चुके हैं, ठीक है बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है उन सबका और आपका भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, ठीक है तो आइए देखते हैं साइंस में 20 मार्क्स में क्या क्या रहेगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो, ये तीनों रहेगा जिसमें फिजिक्स का मैक्सिमम रोल रहेगा आपका, ठीक है इसके बाद में देखते हैं ईवीएस, आपने सीटेट में भी ईवीएस पढ़ा था, ठीक है ईवीएस में थोड़ा सा ईवीएस में केवल ईवीएस जो आप 3-4-5 में पढ़ते थे उतना ही तक सीमित नहीं है, उससे थोड़ा और अधिक है, इसमें ज्योग्राफी को भी डाल दिया गया है, हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ठीक है सब कुछ मिला जुला के समझिए तो ईवीएस कंबाइंड है यानी कि एकीकृत है इंटीग्रेटेड है, इसमें आपका साइंस भी रहेगा सोशल साइंस भी रहेगा, ठीक है उसके बाद में हमारे पर्यावरणीय मुद्दे भी रहेंगे, पर्यावरणीय एक्ट भी रहेंगे, हर चीज रहेगा, तो दोस्त सिलेबस बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है और आप अगर हमें फॉलो करते रहें, आप हमें सुनते रहें, समझते रहें, देखते रहें तो निश्चित है कि हम आपका सिलेक्शन करा के ही मानेंगे, ठीक है तो दोस्त आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस इतना बड़ा है सर कैसे इतना जल्दी इतना हो जाएगा, इतना जल्दी की बात हम थोड़े करते हैं, अभी तो उसका फॉर्म आने वाला है, ठीक है उसके बाद आपको समय मिलेगा 3 महीने, ठीक है 3 महीने में परीक्षा ले लेती है केवीएस, ठीक है उसके बाद में भले ही इंटरव्यू कराया उसके बाद मेरिट बनाया ये सब में लेट होता है, बट एग्जाम आपका फॉर्म आने के 3 महीने में ले लेगा आपका, ठीक है तो इसलिए आपको बस अभी से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है हम ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आपके साथ हम मुखातिब होते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी आप कोई भी वीडियो लेके आए या लाइव आए कुछ भी आए तो आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमें सुन सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके, तो दोस्त आपको चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात है, बहुत मजे मजे में आप जिस प्रकार से खेल खेल में सीटेट हमारे साथ पास हुए थे उसी तरह से आप केंद्रीय विद्यालय में भी पास हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है कि हम आपको पास करा ही देंगे, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।